आइए अब हम बात करेंगे प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बहुजन समाज पार्टी की। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बसपा जमकर बरसे। उनका कहना था कि जब तक महंगाई को काबू में नहीं कर दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हाईकमान के निर्देश अनुसार बसपाइयों ने नगर के टाउन हॉल में एक विशाल धरने प्रदर्शन का आयोजन किया, जो कि बारिश होने के बावजूद भी पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। धरने को संबोधित करते हुए बसपा राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी ने कहा कि केंद्र में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ी है और कांग्रेस सरकार महंगाई को काबू करने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुई है। उनका साफ कहना था कि कांग्रेस पार्टी का गरीबों मजलूमों से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बसपा जमकर बरसे। उनका कहना था कि जब तक महंगाई को काबू में नहीं कर दिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हाईकमान के निर्देश अनुसार बसपाइयों ने नगर के टाउन हॉल में एक विशाल धरने प्रदर्शन का आयोजन किया, जो कि बारिश होने के बावजूद भी पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। धरने को संबोधित करते हुए बसपा राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी ने कहा कि केंद्र में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ी है और कांग्रेस सरकार महंगाई को काबू करने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुई है। उनका साफ कहना था कि कांग्रेस पार्टी का गरीबों मजलूमों से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। आप लोग यहाँ बड़ी शिद्दत के साथ जमे हैं, ये इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की जो नीतियाँ गरीब के खिलाफ है यानी विरोधी है उनसे आप ऊब चुके हैं। दोस्तों, धरना प्रदर्शन जो भी गिरीश भाई कह रहे थे कि धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि जो शोर मचाते हैं कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, ये केवल नारों से पूरा होने वाला नहीं है मेरे साथ। अगर ये पूरा होगा तो इस तरह पूरा होगा जैसे मेरी नेता बहन कुमारी मायावती की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर गरीब लोगों के लिए नीतियां बनाती है और ये गरीब लोगों के लिए नीतियां बनाने का एक परिणाम है कि जो काजमान और काशीराम साहब आवास योजना चल रही है उसमें मेरी बहनें महिलाएं बैठी हैं, यहाँ इनको मकान मिले। नगर पालिका परिषद के मैदान में महंगाई के खिलाफ धरने प्रदर्शन में ज़िले के सभी लोग यहाँ इसमें शामिल हुए। एक धरना प्रदर्शन में हमारे मुख्य अतिथि हमारे सांसद राजपाल सिंह सैनी हमारे मौजूद रहे। ये धरना महंगाई के खिलाफ था। इसमें जो डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ाई गई है, उसके ख़िलाफ़ ये धरना प्रदर्शन हमारा आज बहुत कामयाब रहा। जैसे कि मौसम बारिश का था, मौसम ख़राब था, लेकिन इसके बावजूद मैं सभी कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपनी बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ इस धरने प्रदर्शन को कामयाब किया और इसमें सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने इसमें भाग लिया और उनका सभी लोगों का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि जिन्होंने दूर दराज से आकर इस धरने प्रदर्शन को कामयाब किया। इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो ये हमारा आंदोलन है उस वक्त तक चलता रहेगा कि जब तक केंद्र सरकार बढ़ाई हुई कीमतों को वापस न ले लेगी, क्योंकि इस महंगाई से पूरे मतलब कि देश की जनता में हाहाकार मचा हुआ है। गरीब आदमी हर चीज़ ख़रीदने के लिए परेशान है कि थोड़ी सी मजदूरी में किस तरह से वो मतलब कि सामान ख़रीदे, अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारे, इसलिए सभी लोग परेशान हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। जब तक ये सरकार अपनी कीमत वापसी नहीं करेगी, जब तक गरीबों को उसकी सहूलत के हिसाब से चीज़ें मुहैया नहीं कराएगी, जब तक हम इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे और जब तक मतलब केंद्र सरकार, क्योंकि ख़ास तौर से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जैसा कि आप ये महसूस करते हैं कि ख़ास तौर से लाइट का कम देना जिससे कि हमारे शहर के लोग, हमारे जेपी नगर के लोग परेशान हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने लाइट पर भी पाबंदी लगा रखी है कि उत्तर प्रदेश को कम से कम
लाइट दी जाए, जिसकी वजह से हमारे शहर के लोग परेशान हैं। जब तक मतलब कि सौतेला व्यवहार हमारे साथ करती रहेगी, उस वक्त तक हम ये आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। और मैं फिर दोबारा से अपने सभी मतलब के पार्टी के पदाधिकारियों को और मतलब के आने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बरसात के मौसम में आकर के धरना प्रदर्शन को कामयाब किया।